हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू द नोमैडिक लाइफ जर्नी। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। अभी मैं गुवाहाटी असम में हूँ और इधर से ही मैं हैदराबाद जाने वाला हूँ। अभी मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ और अभी मैं चेक इन लगेज वगैरह देने आया हूँ और बोर्डिंग पास भी। तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे ये गुवाहाटी एयरपोर्ट है। मेरा फ्लाइट इंडिगो में है तो इसी वजह से मैं इंडिगो फ्लाइट काउंटर के पास हूँ। मैं थोड़ा बहुत दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ गुवाहाटी एयरपोर्ट। अभी मेरा सिक्योरिटी चेक इन वगैरह हो गया और मैंने लगेज वगैरह भी चेक इन वगैरह में दे दिया हूँ। हैंडबैग मेरे पास में ही है और थोड़ा मैं ऊपर जाके देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग का वो जो मतलब बोर्डिंग थोड़े देर के बाद ही शुरू हो जाएगा। अभी मैं इंडिगो बस में बैठ गया हूँ जहाँ से हम लोग का जो एयरक्राफ्ट है उधर तक लेके जाएगी। वो एयर एशिया या बहुत सारा दूसरा एयरलाइन खड़ी हुई है और आप लोग देख ही पा रहे होंगे ये एयर एशिया का हो गया और बाजू में अलग अलग तरीके का एयरलाइन बहुत सारा है। ये हो गया इंडिगो। अभी हम लोग पहुंच गए हुए हैं तो बस से हम लोग उतर रहे हैं अभी इंडिगो बस से जहाँ से हम लोग आए थे। ये आप लोग देख ही पा रहे होंगे ये इंडिगो बस है जहाँ से हम लोग आए हैं। इस इंडिगो फ्लाइट का नंबर है 6E187 फ्रॉम गुवाहाटी टू हैदराबाद। तो अभी हम लोग धीरे धीरे प्लेन के अंदर जाने वाले हैं। इस फ्लाइट का डिपार्चर टाइम है 3:40 PM। अभी मैं फ़्लाइट के अंदर आ गया हूँ और मेरा विंडो सीट है। मैं पहले ही विंडो सीट को बुक करके रखा था। मैं सोच रहा था विंडो सीट है तो मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। देख पा रहे होंगे अभी टेक ऑफ का समय है तो चलिए गुवाहाटी टू हैदराबाद जर्नी शुरू करते हैं।
ये फ्लाइट से नज़ारा है। अभी मैं बादलों के बीच में से और ऊपर से गुवाहाटी टू हैदराबाद जा रहा हूँ, तो कितना मस्त नज़ारा है कि नहीं। अभी मैं हैदराबाद के ऊपर से जा रहा हूँ और लैंडिंग का समय हो रहा है और अभी बहुत ही अंधेरा हो गया है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत लैंडिंग को दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोग बने रहिए नोमैडिक लाइफ जर्नी में। अभी हैदराबाद में फ्लाइट लैंडिंग हो रही है। हाँ, और एक बात, इस फ्लाइट का ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स 45 मिनट नॉन स्टॉप गुवाहाटी टू हैदराबाद। अब आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीट बेल्ट का संकेत बंद होने तक कृपया आप अपनी कुर्सी की बेल्ट बांधे रखें और सामान कक्ष न खोलें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि विमान से उतरते समय अन्य यात्रियों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
आप अपनी सीट पॉकेट ठीक से देखें ताकि आपका कोई सामान जैसे कि आईपैड या मोबाइल फोन विमान में रह ना जाए। सामान कक्ष सावधानी से खोलें और अपने सामान की पहचान करें। कैबिन का तापमान आरामदायक बनाए रखने के लिए आपसे निवेदन है कि द्वार खुलने के बाद कृपया विंडो शेड्स बंद कर दें और एयर वेंट्स खोल दें। अपनी यात्रा में इंडिगो को शामिल करने के लिए धन्यवाद। You are free to use your mobile phones now. Please remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the seatbelt sign is switched off. Before you leave the aircraft, please check the seat pocket for any personal belongings like iPads or mobile phones. Open the overhead bins carefully and ensure you have the right bag with you. मैं अभी हैदराबाद पहुंच गया हूं और प्लेन से उतर के अब अपने जो लगेज वगैरह है उसको लेने के लिए जा रहा हूं। ये लिखा हुआ है वेलकम टू हैदराबाद और अभी मैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में हूं और इधर भी लिखा हुआ है वेलकम टू हैदराबाद। ये है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना। एयरपोर्ट से निकलते ही सभी टैक्सी सर्विस होती है और कोई भी आप लोग टैक्सी सर्विस ले सकते हैं। मैंने एक टैक्सी सर्विस ले लिया और ये है हैदराबाद। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हुए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, तभी मेरे को हौसला मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। और अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और ज़रूर कॉमेंट कीजिए। आने वाले समय में हैदराबाद का वीडियो आएगा तो ज़रूर डू विजिट अगेन एंड डेफिनेटली जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाए। यह है हैदराबाद, तो वेलकम टू द हैदराबाद। इस वीडियो को मैं इधर ही ख़त्म करना चाहता हूँ। आने वाले समय में जल्द ही मिलता हूँ एक दूसरे वीडियो में। डू टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, नोवाटिक लाइफ जर्नी। बाय बाय।